हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे और ये दो प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 51 नंबर से 100 नंबर तक प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जिनके रचनाकार जो हैं जयेंद्र कुमार हैं। और शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो 7004501486। अभी सारे पेड PDF होंगे। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अभी पेड PDF रहेंगे। शुरुआत करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो बिल्कुल जायज आंसर है जयेंद्र कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयेंद्र कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, जयेंद्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे? अस्तित्व, आदर्शवादी, यथार्थवादी या मनोविश्लेषणवादी? तो विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है? किन्हें? जयेंद्र कुमार को। नेक्स्ट है, त्यागपत्र जयेंद्र कुमार द्वारा रचित किस क्रम का औपन्यासिक कृति है? तो विकल्प जो सही हो जाएगा सी हो जाएंगे, तीसरी। नेक्स्ट है, परख जयेंद्र कुमार द्वारा रचित किस क्रम का औपन्यासिक कृति है? तो पहली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पहले परख आएगा, उसके बाद सुनीता, उसके बाद त्यागपत्र, उसके बाद सुखदा। ये सारे उपन्यास हैं किसके? जयेंद्र कुमार के हैं। इनके अब देखते हैं उनका कब कब मैंने कि प्रकाशन हुआ था। परख देखिए 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937 और सुखदा जो उपन्यास है 1953। इसे बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। अब इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो सुनीता का 1935, त्यागपत्र का 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1953 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, त्यागपत्र हिंदी की कौन सी विधा है? तो विकल्प बी सही जवाब होगा, उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प बी 1937 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यागपत्र कैसा उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं? तो विकल्प सी 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो विकल्प सी त्यागपत्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्री जयेंद्र कुमार का उपन्यास है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, त्यागपत्र। नेक्स्ट है, त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक है। चार ऑप्शन देंगे, उस मनोवैज्ञानिक वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम क्या है? मृणाल है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयेंद्र का वह उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है, तो कौन सा उपन्यास हो जाएगा? त्यागपत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाला कथाकार कौन है? जयेंद्र कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वो उपन्यास जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है, तो विकल्प हो जाएंगे त्यागपत्र वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, शीला, मृणाल और प्रमोद और राजनंदी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे, त्यागपत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? प्रमोद, मृणाल, देवसेना, शीला? तो विकल्प सी हो जाएंगे, देवसेना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? तो विकल्प में मृणाल। आप जिस प्रकार के देख रहे हैं, जिस PDF से मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसी टाइप का PDF को 100 MCQ रहेंगे,
जिन्हें भी टाइम नहीं है, टाइम का भाव है, तो परचेस कर सकते हैं, या तो जिनके पास टाइम है तो वो खुद से नोट्स बना सकते हैं। इससे बेहतरीन आपको कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। यह त्याग पत्र उपन्यास में कौन सोच रहा है? तो शीला, मृणाल, प्रमोद, सभी। तो ये प्रमोद सोच रहा है। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की सहेली कौन रहती है? तो विकल्प हो जाएंगे शीला। नेक्स्ट प्रश्न जो है त्यागपत्र उपन्यास में कौन जज के पद से इस्तीफा दे देता है? तो विकल्प बी प्रमोद। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद और शीला के बीच कौन सा रिश्ता ज्यादा प्रबल होती दिखाई दिया गया है? तो मित्र। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को सबसे ज्यादा प्यार कौन देती है? तो बुआ, विकल्प सी। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास का प्रमोद हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है? तो विकल्प बी हो जाएगा बुआ। नेक्स्ट है कमरे में बंद करके मृणाल को कौन खूब पीटता? तो विकल्प ए प्रमोद की माता। नेक्स्ट प्रश्न जो है त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पर कौन रहता है? तो विकल्प ए प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न जो है तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगा, यह किसका कथन है? तो विकल्प ए प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न है सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, सारा चक्कर यह उटपटांग है, इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह किसका कथन है? तो विकल्प सी प्रमोद का। नेक्स्ट प्रश्न जो है त्यागपत्र उपन्यास के बारे में सही कथन है, तो विकल्प ए जो है 1965 में अभिनंदन समारोह में त्यागपत्र का नाट्य रूपांतरण का मंचन भी हुआ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुंबई से निकलने वाली हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के लिए उसके संपादक प्रेम जी के अनुरोध पर लिखा गया था, बिल्कुल सही है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी, बिल्कुल सही है। तो यहां से विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास का विषय वस्तु है, अब देखते हैं अनमेल विवाह का दुष्परिणाम, नारी प्रधान उपन्यास, दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित, आत्मकथात्मक शैली, 8 अंकों विभाजित, सर एम दयाल की आपबीती, वैवाहिक विडंबना, एक से प्रेम, दूसरे से विवाह के कारण नारी का अभिशप्त हुआ निर्वास जीवन का चित्रण, सभ्य और असभ्य समाज के बीच की सोच, सामाजिक मर्यादा और स्वतंत्र विचारों का टकराव, उपयुक्त से भेजेंगे। मतलब कि आपको चार दे रहे हैं, मैंने सारे आपको देने को ट्राई कर रहा हूं कि आपका प्रश्न कैसे भी छूटे नहीं। नेक्स्ट है पापिनी हो सकती हूं पर उसके क्या अकृतज्ञ तक के बीच बहनों नहीं, प्रमोद तुम सब लोग मुझे मारा हुआ क्यों नहीं समझ लेते, क्योंकि मुझे तंग करते हो, यह किसका कथन है? तो विकल्प डी मृणाल का है। नेक्स्ट प्रश्न है कन्या जाति क्या अपने पिता के घर ही रहती है, यह किसका कथन है? तो मृणाल का। नेक्स्ट प्रश्न जो है त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं, तो प्रमोद, मृणाल जो प्रमोद की बुआ रहती है, प्रमोद के पिता, प्रमोद की माता, शीला जो कि मृणाल की सहेली, शीला का भाई न कि मृणाल का प्रेमी, और प्रमोद के फूफा, कोयले वाला बनिया, और राजनंदी, और उपयुक्त सभी जाएंगे। इसमें आपको कोई भी दिया गया विकल्प आप वहां से भी सही कर सकते हैं, जबकि आपको इतने बारे में नॉलेज रहेंगे तो। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किसे बताया करती है, तो प्रमोद से। नेक्स्ट प्रश्न है शादी के बाद मृणाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है, तो विकल्प बी प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद किसका विरोध करता है, तो विकल्प डी बुआ के जाने का। नेक्स्ट है प्रमोद के लिए बंदूक का खिलौना कौन लाता है, तो उसकी बुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमोद को किसकी लिखावट अच्छी लगती है और वह पैसे वैसे ही लिखना चाहता है? तो शीला की भाई की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल जमाल गोटाला ने किसे बोलती है? तो विकल्प ए प्रमोद को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्यागपत्र उपन्यास में राजा भैया शब्द किसके लिए आया है? तो विकल्प ए प्रमोद। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास में राजा भैया शब्द किसके लिए आया है? तो विकल्प ए प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रमोद जज की नौकरी से त्यागपत्र क्यों देता है? तो बुआ की व्यथा से। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को उसकी बुआ कितनी बार पत्र लिखती है? बिल्कुल विकल्प ये हो जाएंगे, एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? यूनिवर्सिटी से आते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत समय मिनाल कहां रहने लगती है? तो गंदी बस्ती में। ये आज का प्रैक्टिस सेट वन में, आइए आज का अंतिम प्रश्न रहेगा 50वां नंबर। जहां कहां चलूं मेरी प्यारी, तू मेरी सरस्व, ये किसका कथन है? तो ये है बनिए का। तो ये था 50 प्रश्नों का आज प्रैक्टिस सेट वन है। इसके बाद हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। देखिए 51 नंबर से आपको देखने 100 नंबर तक प्रश्नों का हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं। देखिए 100 नंबर तक है, ओके। ये आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको प्रश्न ऐसे ही बनते हुए दिखाई देंगे एग्जाम में, तो जरूर से पढ़िए। अगर टाइम है तो नोट्स कीजिए, अगर टाइम जिनके पास नहीं है वो PDF परचेस कर सकते हैं 7004501486, ओके। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग खाली मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।